बेटा आज के हमारे रिएक्शन है बाउवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन। बाउवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन इस्तेमाल की जाती है ईस्टर्स का रिडक्शन कराने के लिए। बाउवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन में जब हम ईस्टर का रिडक्शन कराते हैं तो ईस्टर के रिडक्शन से हमको अल्कोहल्स प्राप्त होता है। इस रिएक्शन में करते क्या है कि किसी भी ईस्टर की, आपके पास जो भी ईस्टर है उसकी रिएक्शन करा दीजिए सोडियम एंड एथिल अल्कोहल से। तो जब ईस्टर की रिएक्शन सोडियम और एथिल अल्कोहल से करा दी जाती है तो हमको ईस्टर का रिडक्शन प्राप्त होता है और ईस्टर के रिडक्शन से मिल जाता है हमको अल्कोहल। तो देखिए, हम कोई भी एक ईस्टर लेते हैं, हमने एक जनरल ईस्टर ले लिया, आप कोई भी ईस्टर रख सकते हैं। हमने ले लिया एक ईस्टर और इस ईस्टर की रिएक्शन करानी है आपको सोडियम और एथिल अल्कोहल से, C2H5OH। जैसे ही आप ईस्टर की रिएक्शन सोडियम और एथिल अल्कोहल से कराओगे, ईस्टर रिड्यूस हो जाएगा और रिड्यूस होकर आपको दे देगा अल्कोहल, एक नहीं दो। कैसे? ये जब रिड्यूस होगा तो एक अल्कोहल बेटा इधर से बनेगा, इसे कहते हैं एसाइल ग्रुप, इसे कहते हैं अल्कोऑक्सी ग्रुप। तो एक अल्कोहल एसाइल ग्रुप से बनेगा, तो एसाइल ग्रुप से जो अल्कोहल बनेगा वो ये होगा R सिंगल बॉन्ड CH2 और ये वाला OH, और जो अल्कोऑक्सी ग्रुप से बनेगा वो ये होगा R-OH। तो हमें ये मिक्सचर ऑफ अल्कोहल्स प्राप्त होंगे इस रिएक्शन में, एक इस तरफ से एक इस तरफ से। कैसे आए इसको मैकेनिज्म में भी देखते हैं। तो कहा गया कि जब आप ईस्टर की रिएक्शन करा देंगे, ईस्टर की रिएक्शन करा देंगे सोडियम और एथिल अल्कोहल से, तो आपको अल्कोहल्स प्राप्त होंगे और यह रिएक्शन कहलाएगी बाउवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन। तो जरा इसके मैकेनिज्म देखते हैं। देखिए, मैकेनिज्म थोड़ा सा टेक्निकल है, आप जरा ध्यान से देखिएगा। मैकेनिज्म में बार बार अल्टरनेट ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एडिशन हो रहा है, तो जरा समझिएगा। देखिए, आपने मीडियम में लिया है सोडियम, सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा। कैसे करेगा जरा इसको यहां समझे। ये हो गया आपका सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, 2, 8 और 1, आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन। अगर ये इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो ये स्टेबलाइज कर जाएगा, ये बन जाएगा Na+, स्टेबल कॉन्फिगरेशन हो जाएगा 2, 8 और निकाल देगा एक इलेक्ट्रॉन। अब मीडियम में इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, मीडियम में इलेक्ट्रॉन का फ्री होने का मतलब मीडियम में रेडिकल आ गया। आपको मालूम है कि जब कभी भी किसी भी रिएक्शन में सनलाइट हो, हाई टेम्परेचर हो, परऑक्साइड हो या रेडिकल इनिशिएटर हो, ऐसी सिचुएशन में रिएक्शन हमेशा फ्री रेडिकली इनिशिएट करती है। तो मीडियम में रेडिकल इनिशिएटर है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे सोडियम होंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए होंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेडिकल इनिशिएटर का काम करेंगे। दैट इज वाई कि ये रिएक्शन फ्री रेडिकली इनिशिएट करेगी। तो जरा देखें, अब ये लेकर आए हम ईस्टर। नाउ RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR-, मीडियम में फ्री रेडिकल या रेडिकल इनिशिएटर जिसे कि आप कह रहे हो इलेक्ट्रॉन, ये है तो आया इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में ये बॉन्ड फ्री रेडिकली टूटेगा, तो फ्री रेडिकली टूटेगा मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास, समझो एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास। क्यों? क्योंकि एक फ्री रेडिकल को एक फ्री रेडिकल चाहिए होता है, तो एक रेडिकल इनिशिएटर को एक रेडिकल इनिशिएटर चाहिए होगा, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन यानी इस रेडिकल की प्रेजेंस के कारण ये फ्री रेडिकली टूटा है, एक इलेक्ट्रॉन इनको, एक इलेक्ट्रॉन इनको। अब एक बात याद करिए, हमने आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था कि जब कभी ऐसा हो कि कहीं आपके पास कैटायन हो तो उस कैटायन को एक इलेक्ट्रॉन दो और वो फ्री रेडिकल बन जाता है, फ्री रेडिकल को एक इलेक्ट्रॉन दो
तो वो निगेटिव बन जाता है। तो किसी भी कैटायन और एनायन में दो इलेक्ट्रॉनों का अंतर होता है, तो अगर आप किसी भी कैटायन को दो इलेक्ट्रॉन एक साथ दे दो तो वो निगेटिव बन जाएंगे, किसी भी कैटायन को एक इलेक्ट्रॉन दो तो फ्री रेडिकल को एक इलेक्ट्रॉन दो तो निगेटिव। सेम उल्टा कर दो, निगेटिव से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो फ्री रेडिकल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो निगेटिव पॉजिटिव। तो ये केस होता है। तो अगर आप कैटायन को एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो फ्री रेडिकल को एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो निगेटिव। अब यहां आ जाओ, आपने जब बॉन्ड तोड़ा तो एक इलेक्ट्रॉन आया ऑक्सीजन पर, एक इलेक्ट्रॉन आया कार्बन पर, यानी ऑक्सीजन बना फ्री रेडिकल, कार्बन बना फ्री रेडिकल, और इस कार्बन फ्री रेडिकल पर अटैक करेगा ये एक इलेक्ट्रॉन। तो इस फ्री रेडिकल को जब ये इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो कार्बन हो जाएगा निगेटिव, क्योंकि यहां दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये मेरे पास देखो, समझाता हूं, आर सी, ये बॉन्ड टूटा, एक इलेक्ट्रॉन इन पर, यहां एक इलेक्ट्रॉन इन पर ये आया, ये लिख लो सिंगल बॉन्ड ओ आर डैश, ऐसे बना था, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया था, एक इलेक्ट्रॉन नीचे गया था, एक फ्री रेडिकल ये, एक फ्री रेडिकल ये, और इस फ्री रेडिकल को आपने निगेटिव दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो जैसे किसी फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन दे दो वो निगेटिव बन जाता है, तो इस फ्री रेडिकल को आप एक इलेक्ट्रॉन दोगे तो ये देखिए दो हो गए, ये निगेटिव बन गया। अब यहां पर आप सोचेंगे कि सर ये इलेक्ट्रॉन इस पर क्यों नहीं गया, इस पर क्यों आया? सीधा सा फंडा है, ऑक्सीजन के पास पहले से ही दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, मतलब चार इलेक्ट्रॉन, और एक ऊपर जा रहा है यानी पांच, तो ऑक्सीजन बड़ा ही इलेक्ट्रॉन रिच है, और इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज होने के कारण रिपल करेगा। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये इसे अट्रैक्ट करेंगे, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन यहां आया है पहले। अब अगर ऑप्शन ना होता तो वहां जाता, तो जब दो ऑप्शन थे, एक रिच एक डिफिशियंट, तो डिफिशियंट पर गया। अब अगर डिफिशियंट फ्री रेडिकल ना होता तो फिर जो रिच फ्री रेडिकल है उस पर इलेक्ट्रॉन जाता, क्योंकि फ्री रेडिकल पर दूसरा इलेक्ट्रॉन यानी एक ऑड इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑड इलेक्ट्रॉन को पेयर करता, लेकिन वो तब अगर डिफिशियंट वाला ना होता। अभी यहां था तो इन दोनों की चॉइस में इसे चूज किया गया, ठीक भाई। अब यह बन गया निगेटिव। अब निगेटिव मीडियम में जो ये एथिल अल्कोहल है, इस एथिल अल्कोहल से प्रोटॉन लेगा, तो ये लेगा प्रोटॉन कहां से, फ्रॉम C2H5OH, ये प्रोटॉन इनसे लेगा, और जैसे इनसे प्रोटॉन लेगा, नाउ दिस ये निगेटिव H प्लस से बॉन्ड बना लेगा, आपको प्राप्त होगा R सिंगल बॉन्ड C O फ्री रेडिकल, ये H ये O ये R ये डैश, ठीक भाई। अब देखिए, अब यहां पर सिर्फ एक फ्री रेडिकल बचा है, ये जो था ये खत्म हो गया, अब ये फ्री रेडिकल नहीं रहा, अब यहां पर एक ही फ्री रेडिकल है। अब एक ही फ्री रेडिकल का ऑप्शन है तो फ्री रेडिकल को चाहिए फ्री रेडिकल नहीं है तो रेडिकल इनिशिएटर नहीं है तो फ्री इलेक्ट्रॉन, तो मीडियम में तो फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हैं, खूब सारा सोडियम होगा, खूब सारे इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, तो नाउ ये ले लेंगे एक इलेक्ट्रॉन, और ये जो इलेक्ट्रॉन लेंगे अब ये फ्री रेडिकल, तो ये भाई साहब ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर बन जाएंगे निगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर बन गए निगेटिव, तो ये आपका समझ गए, मिटा देता हूं, ये बन गए निगेटिव, तो ये बना आर सिंगल बॉन्ड सी ओ, ये हो गया माइनस, एक फ्री रेडिकल को एक इलेक्ट्रॉन दो तो निगेटिव बन जाता है, बन गया निगेटिव। नाउ सी एच सिंगल बॉन्ड ओ आर डैश, देखिए होगा क्या, यहां पर रीअरेंजमेंट होगा कैसे, ये निगेटिव यहां बॉन्ड बनाएगा, जब ये निगेटिव यहां बॉन्ड बनाएगा तो इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी, एक दो तीन और हाइड्रोजन चार पहले से हैं, जैसे ही निगेटिव यहां बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ेगी, कार्बन की वैलेंसी ना बढ़ने पाए ये बॉन्ड यहां टूट जाएगा। तो बेटा ये बॉन्ड यहां बना और ये यहां टूटा, तो कार्बन का एक बॉन्ड बन रहा एक टूट रहा, तो कार्बन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये यहां बना यहां डबल हो जाएगा, ये यहां टूटा और जब टूट कर इधर आएगा तो यहां माइनस आ जाएगा। अब जरा देखो तो होगा क्या कि ये बॉन्ड आर सी ये लिख दिया एच, अब ये बॉन्ड जब ये बना तो ये डबल बॉन्ड ओ हो गया, और ये बॉन्ड जब टूट गया तो सिर्फ एच ही बचा, दिस ये निकल गया बेटा आर डैश ओ निगेटिव। ये बॉन्ड जब यहां टूटा तो यहां माइनस, यहां प्लस, और ये प्लस और माइनस मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, दिस ये निगेटिव बात। अब ये मीडियम से ले लेगा बेटा प्रोटॉन,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बाद एक प्रोटॉन का स्टेप आना था, तो ये मीडियम से ले लेगा प्रोटॉन, और ये जैसे प्रोटॉन ले लेगा, ये तो देखिए अल्कोहल बन गया ये वाला, इनका क्या होगा? अब इस एल्डिहाइड की सिचुएशन सी डबल बॉन्ड ओ की है, सेम सी डबल बॉन्ड ओ की है। अब मीडियम में मौजूद इलेक्ट्रॉन फिर से इसको फ्री रेडिकली तोड़ेंगे, अब क्या होगा? नाउ ये आया इलेक्ट्रॉन, सेम रिपीट हो जाएगा अब ये प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकली टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इनको, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को, एक इलेक्ट्रॉन इनको, दो फ्री रेडिकल बनेंगे, ऑक्सीजन पर फ्री रेडिकल, कार्बन पर फ्री रेडिकल, ये रिच इलेक्ट्रॉन, ये डिफिशियंट इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट फ्री रेडिकल पर जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है। तो जब ये यहां गया तो बेटा फ्री रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन दिया तो कार्बन निगेटिव हो जाएगा। अभी आपको मैं यहां लिखकर बताया हूं कि अगर फ्री रेडिकल को एक इलेक्ट्रॉन दो, तो देखिए बॉन्ड जब तोड़ा तो ये बना था आर सी ओ, ओ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड एच, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन इस फ्री रेडिकल को दे दोगे तो यहां दो हो जाएंगे, ये हो जाएगा निगेटिव। अब इस निगेटिव को क्या मिलेगा भैया? सेम मीडियम से प्रोटॉन, सारे प्रोटॉन एथिल कौन से आ रहे हैं, तो मीडियम से मिलेगा प्रोटॉन। नाउ दिस निगेटिव प्रोटॉन ये हो जाएगा निगेटिव पॉजिटिव, बन जाएगा बॉन्ड सी एच, ये हो जाएगा आर सी एच एच सी एच टू ओ फ्री रेडिकल, तो ये तुम्हारा बन जाएगा आर सिंगल बॉन्ड सी एच टू ओ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मीडियम से क्या लेगा? इलेक्ट्रॉन। जैसे मीडियम से इलेक्ट्रॉन लेगा, नाउ ये फ्री रेडिकल फिर से एक इलेक्ट्रॉन एक्वायर करके बन जाएगा एक फ्री रेडिकल, एक इलेक्ट्रॉन, जब फ्री रेडिकल को एक इलेक्ट्रॉन दो तो फ्री रेडिकल निगेटिव बन जाता है, तो ये बन जाएगा आर सी एच टू ओ निगेटिव। नाउ अब ये मीडियम से क्या लेगा बेटा? प्रोटॉन, तो ये मीडियम से लेगा प्रोटॉन, तो जैसे ये मीडियम से प्रोटॉन मिलेगा आपको दूसरा वाला एल्कोहल भी प्राप्त हो जाएगा ये वाला, तो ये आपको मिल गया आर सी एच टू ओ एच। तो ये आपके पास होती है बाउवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन, और इस मेथड के द्वारा आपके ये दो एल्कोहल आपको प्राप्त होंगे, एक एल्कोहल ये देखिए यहां प्राप्त हुआ है आपको, और एक एल्कोहल देखिए यहां प्राप्त हुआ है आपको, ये हुआ बाउवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन। ध्यान से समझेंगे, एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। देखिए मीडियम में इलेक्ट्रॉन थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी रेडिकल इनिशिएटर, रेडिकल इनिशिएटर के कारण ये बॉन्ड फ्री रेडिकली टूटा, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को, एक ऑक्सीजन को मिला ओ फ्री रेडिकल, एक कार्बन को मिला सी फ्री रेडिकल। लेकिन रूल ये होता है कि अगर कभी कहीं कोई पॉजिटिव हो उसे एक इलेक्ट्रॉन दो तो वह फ्री रेडिकल बनता है, फ्री रेडिकल को एक इलेक्ट्रॉन दो तो वह निगेटिव बनता है। और हमने क्या किया कि सी फ्री रेडिकल बना, ओ फ्री रेडिकल बना, सी फ्री रेडिकल को हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया मीडियम से, मीडियम में बहुत सारे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन दिया तो फ्री रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन लेकर निगेटिव बन गया। नाउ दिस सी फ्री रेडिकल कन्वर्ट इनटू निगेटिव, ये निगेटिव मीडियम से प्रोटॉन लेगा क्योंकि मीडियम में एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल बिहेव एज अ प्रोटॉन डोनर, तो मीडियम से लेगा एक प्रोटॉन, तो ये माइनस ये प्लस मिलकर बॉन्ड बना लेंगे, तो ये हो जाएगा सी सिंगल बॉन्ड एच, तो ये हो गया सी एच। अब ये फ्री रेडिकल मीडियम से एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो फ्री रेडिकल फिर एक इलेक्ट्रॉन लेगा निगेटिव बनेगा, तो ये फ्री रेडिकल मीडियम से एक इलेक्ट्रॉन लिया लेकर निगेटिव बना, यहां रीअरेंजमेंट हुआ, निगेटिव यहां बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड यहां टूट जाएगा, या आप ऐसे समझें जैसे ये बॉन्ड टूटेगा यहां आएगा निगेटिव, यहां आएगा पॉजिटिव, ये निगेटिव ये निकल गया आर डैश ओ माइनस, यहां जो प्लस आया ये माइनस मिलकर बना लेंगे बॉन्ड दिस। अब ये आर डैश ओ माइनस मीडियम से एक एच प्लस लेगा, ये एथिल अल्कोहल से बन जाएगा आर डैश ओएच, ये एल्डिहाइड फिर से मीडियम से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, फ्री रेडिकल बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर एक इलेक्ट्रॉन नीचे, ओ फ्री रेडिकल सी फ्री रेडिकल, तो ओ पर फ्री रेडिकल सी पर फ्री रेडिकल, लेकिन सी को एक इलेक्ट्रॉन आपने अपने पास से दिया तो फ्री रेडिकल को जब इलेक्ट्रॉन दो तो वो निगेटिव बन जाता है, तो ये निगेटिव बन गया, निगेटिव मीडियम से लेगा एच प्लस, नाउ दिस सी एच, अब ये सी एच था ही एक सी एच और, तो दोस्त हो गए सी एच टू सिंगल बॉन्ड ओ फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल मीडियम से एक इलेक्ट्रॉन लेगा बन जाएगा निगेटिव, निगेटिव मीडियम से एक्सप्रेस लेगा बन जाएगा एल्कोहल, एंड दिस इज बाउवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन।